गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पिंक वाइब्स और मैं हूं रुक्षा और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कॉमन एंड डेंजरस टॉपिक के बारे में बात करूंगी एंड उसके सोल्यूशन भी बताऊंगी आल्सो। सो आज जिस टॉपिक के बारे में आज को बताऊंगी आपको वो है डैंड्रफ। बहुत ही एक कॉमन एंड डेंजरस प्रॉब्लम है, सब लोगों का होता है, कभी ना कभी होता है। सो ये डैंड्रफ क्या है, क्यों होते हैं, इनकी जो सोल्यूशन है वो क्या है, सब बताऊंगी आपको। तो चलिए वीडियो में मूव ऑन करते हैं। देखिए डैंड्रफ होने का बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो होते हैं कि अगर आप आपकी बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग एवरीडे पानी नहीं पीते हो तो उससे आपकी बॉडी ड्राई हो जाते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो इसलिए आपको क्या करना है, आपको एवरीडे 2 to 3 liters पानी पीना ही है, हम सब लोगों को पीने का ज़रूरत है। दूसरा होता है कि अगर आप आपकी कोई पर्सनल चीज़ मतलब कोम्ब या फिर पिलो या फिर टॉवल कोई दूसरे के साथ शेयर कर लिया या फिर दूसरे का कोई पर्सनल चीज़ कोम्ब टॉवल या फिर पिलो आप खुद यूज़ कर लिया तो उससे भी आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। और थर्ड एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ठीक से नहीं नहाना एवरीडे। यस, आपको एवरीडे एक प्रॉपर बात लेना है। प्रॉपर बात मतलब ये नहीं कि एवरीडे आपको शैम्पू करना है, कंडीशनिंग करना है, स्क्रबिंग करना है, ऐसा नहीं। आपको आपकी बालों को एवरीडे फुल्ली वेट करके नहाना है। अब हफ्तों में 2 या 3 बार शैम्पू कर लो एंड बाकी दिन आप आपकी बालों को फुल वेट करके नहा लो। ऐसे क्या होगा, आपकी स्कैल्प में हाइड्रेशन प्रोवाइड होगी और जब आपकी स्कैल्प हाइड्रेटेड रहेगी तब आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आपके हेयर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगा तब आपकी हेयर फॉल भी नहीं होगी, आपकी स्प्लिटेंस भी नहीं होगी, आपकी हेयर फ्रिजी भी नहीं होगी और साथ ही साथ आपके हेयर में एक बहुत ही अच्छा लस्टरस शाइन प्रोवाइड होगी। सो इसलिए आपको क्या करना है, आपको एवरीडे आपकी बालों को फुल्ली वेट करके नहाना है। मैं जानती हूँ कि अगर आप कॉलेज गोअर्स हो, स्कूल गोअर्स हो या फिर ऑफिस गोअर्स हो तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल का काम हो जाएगी एवरीडे बालों को वेट करके नहाना। पर आप एक काम कर सकते हो कि आप थोड़ी देर पहले नहा सकते हो ताकि आपकी बाल ड्राई होने का टाइम मिले, क्योंकि आपको ड्राई बालों में ही बाहर जाना है, वेट बालों में नहीं जाना है। अगर आप वेट बालों में बाहर जाओगे तो बाहर की जो धूल मिट्टी पोल्यूशन है वो आपकी हेयर में एब्जॉर्ब होगी और उससे भी आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि ऑयलिंग करके हेयर में आपको बाहर नहीं जाना है। अगर आप ऑयलिंग करके बाहर जाओगे तो बाहर की धूल मिट्टी पोल्यूशन एब्जॉर्ब होगी ऑयल की वजह से, तो उससे भी आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो इसीलिए आपको क्या करना है, जिस दिन आप शैम्पू करोगे उस दिन पहले नाइट में आपको ऑयलिंग कर लेना है एंड नेक्स्ट डे आपको शैम्पू कर लेना है, दैट्स इट। सो गाइस ये था कुछ छोटा छोटा रीज़न डैंड्रफ होने का एंड छोटा छोटा सोल्यूशन डैंड्रफ से छुटकारा मिलने का। मुझे जो दिमाग में आया वो ही मैं बोला आप लोगों को। अगर आप दूसरे कोई सोल्यूशन जानते हो, दूसरे कोई रीज़न जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो। तो चलिए आप होम रेमेडी में फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आपका डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो उससे भी तो छुटकारा मिलना है ना। तो चलिए आप होम रेमेडी में फोकस करते हैं, देख लेते हैं कैसे आप घर बैठ के डैंड्रफ से छुटकारा मिल सकते हो। सो फर्स्टली आपको लेना है एक नैप्थोलिन एंड उसको अच्छे से क्रश करके पाउडर फॉर्म में बना लेना है। और अब मैं 1/2 teaspoon ऑफ नैप्थलिन पाउडर एक बोल में ले लूँगी एंड जो एक्सेस है वो एक दूसरी बोल में स्टोर कर लूँगी फर्दर यूज़ करने के लिए। सो अब मैं नैप्थलिन पाउडर के साथ मिक्स करूँगी प्योर कोकोनट ऑयल, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नेहा नेचुरल्स का उत्तम कोकोनट ऑयल, प्योर कोकोनट ऑयल। आप चाहो तो दूसरे ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो। और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स करके आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगी। गाइस अगर आपका डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये हेयर ऑयल आपको नहाने की 2 घंटे पहले यूज़ करना है। ओवरनाइट अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नहाने की 2 घंटे पहले आपको ये हेयर ऑयल यूज़ करना है, सिर्फ आपके स्कैल्प में, पूरी हेयर में नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ स्कैल्प में मसाज करना है एंड 2 घंटे रख के शैम्पू कर लेना है। गाइस ये रेमेडी इफ़ेक्टिव तो है पर साथ ही साथ बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट देते, क्योंकि
नैप्थलिन डैंड्रफ के जैसे फंगल इन्फेक्शन में ना बहुत ही इंस्टेंटली एंड इफेक्टिवली काम करता है। और साथ ही साथ कोकोनट ऑयल हमारे स्कैल्प को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, हाइड्रेट रखता है, सो इसीलिए डैंड्रफ की प्रॉब्लम क्योर हो जाता है। गाइस, अगर आपका डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप हफ्तों में 2 बार ये रेमेडी फॉलो करना। 4 to 5 times फॉलो करने से ही आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम एकदम 100% परमानेंटली क्योर हो जाएगी। और जब आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी तब आप ये हेयर ऑयल स्किप कर सकते हो। सो ऐसे ही ये हेयर ऑयल 10 to 15 minutes तक स्कैल्प में अच्छे से मसाज करने के बाद 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद कोई हर्बल शैम्पू से हेयर को वॉश कर लीजिए। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। और ऐसा अच्छा अच्छा वीडियो टिप्स पाने के लिए तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नीच पीछे बेल आइकॉन है उसको पक्का हिट कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, अब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो।